हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी हूँ मेरे भाई के घर पे कच्छ में, और अभी हम जा रहे हैं मेरे गांव, और आज है काड़ी चौदस, और वहाँ पे जाके मैं पूरा मेरे गांव का पूरा फेस्टिवल दिखाने वाली हूँ, तो आप बने रहना। प्रियास, कहाँ जा रहे हैं हम? गाँव जा रहे हैं। मजा आता है तुझे? बहुत मजा आती है। ये कितना सारा सामान है देखो, गोदी में उठा रही हूं। पीरे पीछे पूरा भर चुका है, और यहाँ पर भी है। इसमें फटक है, इसमें खुला ना पानी फटक ले फटक है फटक है पानी है ये है पानी। मुझे देखा पानी पीने के लिए? पानी पीकर अभी हम निकल चुके हैं मेरे भाई के घर से, और अभी हम जा रहे हैं गांव, और एक घंटे का रास्ता है। एक घंटे का है ना? हाँ, एक घंटे का रास्ता है। और ये दोनों ससुराल जा रही है, इसलिए साड़ी पहन के बैठी है। और क्रियांश क्या खा रहा है? केक खा रहा है। बहुत मजा आने वाली है, बहुत एंजॉय करेंगे हम। ये आ गया मेरा गांव आनंदपुर, और ये है कच्छ में, और ये है मेन डोर उसका, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। ये कोई भैया है, वो दरवाज़ा खोल रहा है, और ये है हमारा पार्किंग एरिया, मतलब हमारा घर का पर्सनल पार्किंग एरिया ही है, और यहाँ पर हमने अभी गाड़ी पार्क कर ली है। अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे गांव, मेरे गांव के घर में। मैं आपको एक क्विक मेरा पूरा घर दिखा दूंगी गांव का। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम पूरा ब्लॉग बनाया था, पर इस बार मैं ऐसे फटाफट करके दिखा दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सबको मिलने के लिए, सो लेट्स गो। कल रात को हम इतनी सारी बातें कर रहे थे, बहुत टाइम के साथ सब मिले थे, इसलिए तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली सबसे पहले। और मैं वैसे तो मैंने लास्ट टाइम मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था, तो इस बार मैं क्विक आपको मेरा फटाफट मेरा गाँव वाला घर दिखा देती हूँ। ये हमारा मेन डोर, यहाँ से आके यहाँ पे हमारी भैंस है। देखो, एक दो, और यहाँ पे है पांच, और यहाँ पे है छठी, और ये है हमारा ट्रैक्टर। इसमें ये कौन सी फसल है पापा? ये क्या? ये घास है। घास घास है, उसको जुवर कहते हैं। वो भैंस को और खिलाते हैं। ये है पार्किंग एरिया, और यहाँ पे हमारी जो खेत में जो भी फसल होती है वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाओ। ये भी है अंदर पार्किंग, यहाँ पे भी अंदर गाड़ी रख सकते हो। ये भी है, ये पूरा मतलब हमारा ही पार्किंग है। और यहाँ पे एक रूम है, और ये है एक रूम। अंदर आओ, यहाँ पर ये ओपन एरिया पूरा। वैसे यहाँ पे पहले बहुत सारी चीज़ें मतलब उगाते थे, अभी यहाँ पे पूरा खाली है। यहाँ पे है दो वॉशरूम, और ये है हमारा मेन गेट अंदर घुसने के लिए घर का, और ये है आंगन, और ये है दो गाय। ये है हमारे घर की बैठक, जब बाहर से गेस्ट आते हैं तो जेंट्स लोग यहाँ पर ही बैठकर बातें करते हैं। और ये है मेरे दादाजी ने बनाया वाला घर, ये बहुत ही पुराना है, 48 ईयर्स पुराना है ये। और यहाँ पर है मेरे दादाज की फ़ोटो सब, और ये है झूला जो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है मेरे घर में से, और ये है फर्स्ट बेडरूम, और ये है सेकंड बेडरूम। और वैसे ये घर रिनोवेशन करवाया हुआ है, और ये है दो किचन, और ये है नया वाला घर। नया वाला मतलब इसको भी 22 साल तो हो ही चुके हैं। तो इस ये घर में है 4 बेडरूम्स, और ये ऊपर हम जा रहे मेरे बेडरूम, और ये ऊपर के फ्लोर पर आ चुके हैं। और ये है हमारा रूम, और यहाँ से टेरेस है। वैसे हमारा रूम टेरेस पर है, इसलिए मस्त हवा आती है यहाँ से। और ये है सबसे टॉप, हमारा गांव में सबसे टॉप वाला घर हमारा ही है।
सबसे ऊंचा वाला, तो यहाँ से पूरा गांव दिखता है। देखो ये है हमारे कुल देवी का टेंपल और ये है मेरा घर ऊपर से। ये है मेरे दादाजी ने बनाया वाला घर और यहाँ पे मेरे पापा बैठे हैं, मेरे पापा फ़ोन चला रहे हैं और ये पूरा व्यू दिख रहा है मेरे घर का। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। और ये पीछे वाले हैं वो और के घर है। हमारे गांव में बस दो तीन ही घर ऐसे हैं जो छत वाले हैं, उसमें से हमारा घर है और हमारा घर सबसे बड़ी हाइट ऊपर है। और ये एक है स्कूल, ये भी एक छत वाली है, यहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये पीछे है हमारा फार्म, यहाँ पर हमारी खेती होती है। तो पता नहीं कल टाइम मिलेगा तो वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। और बस हैप्पी दिवाली और देखते हैं आज का सेलिब्रेशन कैसा होता है। अभी मैं और भाभी आए थे शूट करने के लिए, भाभी अपना काम छोड़कर मेरा शूट करने आए हैं। कैसा लगा मेरा ससुराल? बहुत मस्त। चॉकलेट लेके पढ़ रही हूँ मैं ये दुबई की सबके लिए। आपको खानी है तो आपको एड्रेस भेजते, आप भी आ जाओ। वैसे तो आपको दिखाई दिया पूरा हमारा घर कैसा है, बहुत बढ़िया है गाँव, प्रॉपर ट्रेडिशनल गाँव है यहाँ का, बहुत मजा आता है यहाँ। और आज दिवाली है तो रंगोली करेंगे। अभी फ्रैक्चर वाला हाथ है मेरा, पर देखते हैं, वैसे आज मेरा खत्म हो रहा है तो अभी ट्राई करूंगी, होगा तो करूंगी, बाकी भाभी करेंगे। मैं तो करने वाली हूँ। अभी खाना पकाने चलते हैं, आओगे? हाँ, क्या बनाने वाले हो आज? अभी क्या है, देख, गवार की सब्जी है, फिर फ्लावर की सब्जी है, रवा है जो स्वीट होता है वो है। ठीक है, चलो। क्या कर रहे हो? आज दिवाली है इसलिए ऑब्वियसली दिए तो जलने ही वाले हैं, तो मेरे दोनों भाई यहाँ पे दिए जला रहे हैं और साथ में भाभी उनको हेल्प कर रहे हैं। और साथ साथ में मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ, तो मैंने भी दिया जला लिया है, मतलब जलाया नहीं है, जलाने की ट्राई कर रही हूँ, तो मेरे से जल नहीं रहा था, फिर फाइनली जल चुका है अभी दिया। और यहाँ पर हमने बहुत सारे दिए जलाए थे, हमने बहुत कलरफुल थे, मेरे को बहुत ही अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। अभी हमने दिए जला लिए है और पूरे घर में ऑलरेडी आप और दिवाली है तो दिवाली के साथ फटाके भी होते ही है, तो वैसे मुझे फटाके से बहुत ही डर लगता है, मैं ऐसा बॉम ऐसा कुछ फोड़ती नहीं हूँ, तो इसको फूलझड़ी बोलते हैं, अभी पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, पर हाँ ये मैं बस फूलझड़ी ऐसे थोड़ा बहुत कर रही हूँ क्रियांश के साथ, ऐसे कंपनी दे। और अभी आई हूँ मैं किचन में, मैं मीठा टेस्ट करने के लिए आई थी, बहुत ही अच्छा बना था। किचन में खाना बन रहा है और भाभी तीन लेयर वाली रोटी बना रही है और दूसरी भाभी रोटियां सेक रहे हैं चूल्हे पर। हमारे गांव की बड़ी बड़ी रोटियां बना रहे हैं और चूल्हे की रोटी बहुत ही मस्त टेस्ट लगती है ना भाभी। गांव में लोग नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं तो ये लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। क्यों आया, काम करवाने के लिए? क्या काम करवाएगा, रोटी मम्मी को हेल्प करेगा? गुड मॉर्निंग, आज है दिवाली का दूसरा दिन, कल हमने रंगोली नहीं की क्योंकि मुझे हाथ में लगा हुआ था। वैसे मुझे डॉक्टर ने 4 वीक के लिए बोला था ये रखने के लिए, पर कल मैंने निकाला, मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मैं सूरत जाके एक बार दिखाऊंगी, बाद में ये निकालूंगी, इसलिए हम रंगोली नहीं कर पाए। तो कल है न्यू ईयर तो आज का दिन ऐसे गैप है, तो हमने सोचा कहीं पर घूम कर आते हैं, तो यहाँ पर पाबू दादा है वहाँ पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर और आप हमारे साथ बने रहना। अभी
भर भर के बैठे हुए हैं। इसमें हमें लेन में चाहिए ना, इसमें ये पहुंच गए। यहां पे इतना मस्त पानी है, बहुत दूर दूर तक, और वहां पर टेंपल है, तो हम वहां पर जाएंगे। और हम खाना वाना भी यहां पर ही बनाने वाले हैं। मतलब फुल पिकनिक वाली वाइब आने वाली है आज, तो बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर हम खाना बना रहे थे, तो यहाँ पर बिच्छू आ गया था कहीं से, तो मेरा कज़िन भाई यहाँ से बिच्छू को साइड पे कर रहा था, जिस वजह से खाना हम वहाँ पर बना पाए। क्या बना रहे हो भाभी? मग की सब्जी। मस्त चूल्हे पर बन रही है भाभी। बोलेंगे और भाभी आप क्या बना रहे हो? आलू पकौड़े। पकौड़े के लिए सब्जियां काट रही हूँ। क्रियांश क्या कर रहा है? मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। वो जो है ना थोड़ा। चलो गर्मा गर्म भजिया खाने, बनाते जाओ और खाते जाओ। बाजू कर रोटलो, मेन रोटलो से बाजू। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे लज्जा दीदी पूरी तरह से थक गए हैं, तो उसकी जगह मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए सो रहे हैं, कैसी हालत में सो रहे हैं। उठ गए, बहुत थक गए, सबको खिला खिला के बहुत काम किया आपने, तो खा के थक गए। खैर सोने दो उन्हें, मैं आपको दूसरा व्यू दिखाती हूँ। हेलो मम्मी। हाय। आप नहाने नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। खाना खाने के बाद सब लोग चले गए थे नहाने के लिए, और यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन था, और उसकी हाइट हो गई शायद 5 feet के अराउंड। और यहाँ पर सब है, मेरे भाई है, मेरे कजिन्स भाई है, और मेरे पापा है, क्रियांश है, मेरे भाई के बच्चे हैं, और ये सब स्विमिंग कर रहे थे। और मुझे भी जाना था, पर मेरे कपड़े नहीं थे एक्स्ट्रा, इसलिए मैं नहीं गई। और ये क्रियांश देखो कितनी मज़े कर रहा है। क्या बोल रहे हो आप, जग गए क्या? चलते चलो, आप जाइए, मैं शूट करती हूँ। सो लेट्स गो, जाओ जाओ। हमको दिख गया था वहाँ पे जहरीला सांप, वैसे तो छोटा ही था, फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा था उसको देखकर। क्या देखा अभी तुमने? अभी वहाँ पर क्या था? सांप था। डर लगा तुझे? नहीं लगा। क्यों? जब पकड़ के आता फिर ऐसे पकड़ के दिखा सबको, देखो बहुत डर नहीं लगता है ना, तो पकड़ के दिखा। मक्का भरी जाए। बाइक करेगा? बाइक करेगा ऐसा? तो बाइक करेगा। मेरा भी मन कर रहा है नहाने जाने का, पर मैं एक्स्ट्रा कपड़े लाई नहीं हूँ, तो इस बार इतना पानी भरा हुआ है, बाकी इतना सारा पानी नहीं भरा होता है यहाँ पर, पर बहुत ही क्लीन पानी है, नहा सकते वैसा वाला। तो भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पक्का कपड़े लेके आऊँगी, और मैं भी यहाँ पर नहाऊँगी और स्विमिंग करूँगी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मेरे भाई और मेरे पापा ये सब ने तो सबने नहाया है, वो लोग ने फुल एंजॉय किया है। हम लोग बैठे थे, मैं तो देख ही लिया होगा, सो रही थी, मस्त खाना खा लिया था इसलिए ज़्यादा भूख लगती है, सॉरी
खा लिया था इसलिए ज़्यादा नींद आती है। तो चलो अभी हम शायद जाएंगे घर पर, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ऊपर चढ़ गया, चलो अभी उतर जा नीचे, अब नीचे आ जा। अभी हम जा रहे हैं वापस रिटर्न घर, और यहाँ पे बीच में खेत आ गया था हमारा, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा खेत और यहाँ की फसल। ये है मेरे घर की वाड़ी, और मैं कल आपको दिखाना भूल चुकी थी होम टूर में, तो मैंने सोचा चलो आज दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सीज़न वाइज अलग अलग वेजिटेबल होते हैं। ये है बैंगन और ये है नींबू, यहाँ पे बहुत सारे नींबू होते हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।